जिंदगी एक सफर है। ये सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाता है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी हमें गहरी खाइयों का सामना करना पड़ता है। हम मुश्किलों का सामना करते हैं। ये मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हम खुशियां भी मनाते हैं। ये खुशियां हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं और हमें जीने का हौसला देती हैं। इन सबके बीच कुछ खूबियां होती हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये खूबियां हमें सही दिशा दिखाती हैं और हमें संतुलित रखती हैं। धैर्य और संयम ऐसी ही दो खूबियां हैं। ये खूबियां हमें कठिन समय में भी शांत और स्थिर रहने की शक्ति देती हैं। ये हमारी अंदरूनी ताकत है। ये ताकत हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहने की हिम्मत देती है। ये खूबियां हमें जिंदगी के सफर को अच्छी तरह से तय करने में मदद करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानवरों की दुनिया से सीखते हैं। ऊंट और हाथी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ऊंट हमें धैर्य सिखाता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने सफर को जारी रखता है। हाथी हमें संयम दिखाता है, वह अपनी विशालता के बावजूद शांत और संयमित रहता है। इन जानवरों से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाकर सफल हो सकते हैं। धैर्य और संयम हमें न केवल मुश्किलों का सामना करने में मदद करते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। आइए हम भी इन जानवरों की तरह अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाएं और अपने सफर को सफल बनाएं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह जानवर अपनी अद्वितीय विशेषताओं और धैर्य के लिए जाना जाता है। ऊंट का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। यह कठोर परिस्थितियों को सहन करता है। रेगिस्तान की तपती धूप और सूखी हवाओं के बीच ऊंट अपनी सहन शक्ति से हमें प्रेरित करता है। तेज धूप भी इसे रोक नहीं पाती है। ऊंट की त्वचा और शरीर की संरचना उसे इस गर्मी से बचाती है, जिससे वह बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता रहता है। यह भारी बोझ ढोता है। ऊंट का मजबूत शरीर और उसकी कुबड़ उसे भारी सामान ले जाने में सक्षम बनाती है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। यह लंबी दूरी तय करता है। ऊंट की यात्रा हमें सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ता से हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऊंट कभी शिकायत नहीं करता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, ऊंट हमेशा शांत और स्थिर रहता है। यह धैर्यपूर्वक डटा रहता है। ऊंट का धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी कूबड़ में ऊर्जा जमा रहती है। ऊंट की कूबड़ उसे लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के जीवित रहने में मदद करती है। इससे यह कई दिनों तक बिना खाने पानी के जीवित रह सकता है। ऊंट की यह विशेषता उसे रेगिस्तान के कठिन जीवन में जीवित रहने में मदद करती है। ऊंट का धैर्य उसके बचाव की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। खुद को रेगिस्तान में कल्पना करो, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। सूरज तेज चमक रहा है, उसकी किरणें इतनी प्रबल हैं कि हर चीज को झुलसा देती हैं। आप थके हुए हैं और प्यासे हैं, हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा है, उम्मीद हारना आसान है। ऐसा लगता है कि मंजिल कभी नहीं आएगी, लेकिन ऊंट हमें प्रेरित करता है। ये जानवर जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। यह हमें धैर्य रखने की याद दिलाता है। ऊंट की आंखों में एक अजीब सी शांति होती है, जो हमें बताती है कि धैर्य ही असली ताकत है। कठिन समय में भी धैर्य हमें सहन करने में मदद करता है। जब रेगिस्तान में तूफान आता है, तब भी ऊंट स्थिर रहता है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे ऊंट को नखलिस्तान मिल जाता है, वैसे ही हमें भी अपना इनाम मिलेगा। धैर्य और सहनशीलता के साथ हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऊंट की तरह हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक सुखद अंत होता है। हाथी ताकत और शक्ति का प्रतीक है, फिर भी यह अपने सौम्य स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। हाथियों को खतरों का सामना करना पड़ता है। वे आसानी से बल से जवाबी हमला कर सकते थे, लेकिन वे अक्सर संयम चुनते हैं। वे समझते हैं कि असली ताकत नियंत्रण में है। उस समय के बारे में सोचें जब किसी ने आपको गुस्सा दिलाया हो। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आवेश में प्रतिक्रिया करने से और भी समस्याएं हो सकती हैं। हाथी हमें रुकना सिखाता है,
गहरी सांस लो, शांति और संयम से जवाब दें, यही असली ताकत है। धैर्य और संयम कमजोरी के संकेत नहीं है, ये अंदरूनी ताकत के संकेत हैं। जब हम धैर्य का अभ्यास करते हैं तो हम लचीलापन विकसित करते हैं, हम कठिनाइयों से उबरना सीखते हैं। संयम हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है, हम बेहतर फैसले लेते हैं, हम मजबूत रिश्ते बनाते हैं। हम एक तेज तर्रार दुनिया में रहते हैं, सब कुछ तुरंत चाहिए, हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, इससे धैर्य रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सफलता के लिए धैर्य जरूरी है, यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। याद रखें, धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है। जीवन विकर्षणों और प्रलोभनों से भरा है, पल की गर्मी में फंसना आसान है, लेकिन संयम हमें केंद्रित रहने में मदद करता है। हम अपने आवेगों को नियंत्रित करना सीखते हैं, हम ऐसे चुनाव करते हैं जो हमारे हित में हों, इससे अधिक पूर्ण जीवन जीने को मिलता है। ऊंट और हाथी हमें बहुमूल्य सबक सिखाते हैं, सुखी और सफल जीवन के लिए धैर्य और संयम आवश्यक हैं। ये गुण हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं, वे हमें मजबूत रिश्ते बनाने की अनुमति देते हैं, वे हमें उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का अधिकार देते हैं। आइए हम इन गुणों को अपनाएं।